जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान देवर और भाभी का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दोनों मृतकों की पहचान एक चारी के चाय टोला निवासी मुकेश कुमार 26 वर्षीय और राधा देवी 23 वर्षीय के रूप में कर ली गई है। आशंका जताया जा रहा है कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और पिछले 5 सालों से एक साथ भी रहते थे। यह पूरा मामला भागलपुर से निकल कर आ रहा है और दोनों 25 अक्टूबर 2022 से मनोज कुमार शाह के घर में किराए पर रहते थे। मुकेश हलवाई का काम करता था जबकि युवती अस्पताल में नर्स थी। घटना मोहजाबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मदन चौक मोहल्ले की है और वहीं मृतक राधा की मां ने बताया कि दामाद श्रीनगर में मजदूरी करता है और उसे खर्चा तक भी नहीं भेजता है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निचोड़ने के बाद मोर्चे में भिजवा दिया गया है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक राधा शनिवार को अस्पताल में काम से पटना गई हुई थी और वह देर रात वापस लौटी थी। मकान मालिक ने बताया कि रोजाना की तरह दोनों काम से वापस लौटते हैं और उसके बाद एक ही कमरे में रहते हैं। सुबह काफी देर तक वह बाहर नहीं निकले हैं और संदेह हुआ है। खिड़की से जाकर देखा है तो इस घटना का पता चला है और पुलिस को मौके पर बुला लिया गया, जिसके दौरान इस मामले में पता चला है कि दोनों में अफेयर का मामला देखने को मिल रहा है और इसके बाद अब पुलिस ने नीचे उतरने के बाद उन्हें मोर्चे में भिजवा दिया है और हर एंगल से अब पुलिस जाँच कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।